हे एवरीवन, आज हम लोग एक फॉगिस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है क्लोन स्टार विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। इसमें क्या है कि हमें एक स्टैक दिया हुआ है, ठीक है। उस स्टैक को मुझे कॉपी करना है, जिसको हमें क्लोन करना है एक दूसरे स्टैक में, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 3, 2, 1 है, तो मुझे इसके क्या करना है, सारे एलिमेंट को कॉपी कर देना है, ठीक है। मतलब मुझे इन सारे एलिमेंट को मूव कर देना है इस दूसरे स्टैक में, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को कैसे मूव करना है, ये भी 3, 2, 1 इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अब आप देखिए प्रॉब्लम हमें कहाँ पे होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां से एक एलिमेंट को, हम सोचते हैं कि स्टैक से एक एक एलिमेंट को उठाया और इसमें डाला, तो अगर हम पहले क्या निकलेगा, स्टैक से पहले निकलेगा 3 और 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अगर आप ये देखें, मेरा स्टैक पहले किस ऑर्डर में था, 3, 2, 1 में, और यहाँ पे हम पुश करेंगे तो किस ऑर्डर में चले जाएगा, 1, 2, 3। तो ये गलत है, मतलब कि हमें जैसा है वैसा ही स्टैक बनाना है। तो चलिए हम थोड़ा कोडिंग पार्ट की तरफ आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोन स्टैक नाम का फंक्शन था, ठीक, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना था। मान लीजिए हमने एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया है जो कि स्टैक को क्लोन कर देगा, ठीक है। मान लीजिए सॉल्व नाम का फंक्शन है जो इसमें क्या करेगा, करंट स्टैक को देखेगा कौन सा क्या स्टैक में है और उसको क्लोन कर देगा, ठीक, और सिंपली फिर हम रिटर्न कर देंगे। अब देखिए हमने क्लोन नाम का फंक्शन कैसे बनाया हुआ है, ठीक। आप इसको अभी रहने दीजिए, आप यहां देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया ना, स्टैक से एक एलिमेंट को हमने निकाल लिया, ठीक। स्टैक से अगर हम एक एलिमेंट को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। स्टैक में मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक। अब हमने फिर यहीं से फिर से स्टैक नाम का हमने सिर्फ यहाँ पे पॉप आउट किया है, अभी हमने निकाल के इसको रखा हुआ है, हमने इसको डाला नहीं हुआ, क्लोन वाले स्टैक में हमने डाला नहीं है, अभी हमने सिर्फ इसको निकाल के रखा हुआ। फिर उसके बाद हमने फिर क्या किया, जब हम निकालेंगे तो मेरे पास ये स्टैक बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर से मैंने सॉल्व नाम का फंक्शन किया, तो सॉल्व नाम का फंक्शन क्या करेगा, इस समय जो करंट स्टैक है वो हमारे डाल देगा क्लोन फंक्शन में। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई स्टैक है जो अब चला गया होगा इस हमारे क्लोन वाले में, फिर उसके बाद मैं इस वाले एलिमेंट को पुश कर दूंगा, ठीक। क्योंकि सॉल्व नाम का फंक्शन क्या करता है, करंट स्टैक को देखेगा, उसको डाल देता है हमारे क्लोन वाले में, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने मान लीजिए पहले एलिमेंट को उठा लिया, 3 था, ठीक है। अब मैंने सॉल्व फंक्शन चला दिया जो अभी करंट स्टैक, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम टाइप बन गया, ठीक है, सब प्रॉब्लम बन गया, यानी कि हमारे पास ये स्टैक है और मुझे क्लोन करके इसमें डालना है। तो मान लीजिए सॉल्व नाम का फंक्शन हमारा क्या काम करता है, कि ये पूरा क्लोन कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टैक में कुछ क्लोन हो गया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोन डॉट पुश, अब इसमें हम 3 पुश कर देंगे, ठीक। तो यानी कि हमें क्या करना है, जब हमें ऐसा केस मिले तो हमें रिकर्सिवली कॉल कर लेना है, ठीक है। अगर हम इसका रिकर्सन मेथड देखें तो कैसे चलेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैक से निकाला हमने क्या, एसटी डॉट पॉप, तो हमारे पास ये स्टैक था, ये मान लीजिए जेड में चला गया 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमने सॉल्व फंक्शन का कॉल कर लिया, यानी कि सॉल्व फंक्शन कैसे कॉल होगा, फिर यही वाला फंक्शन कॉल होगा और इसमें स्टैक में क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर आके चेक करेंगे आएगा, तो फिर ये क्या देखेगा, फिर हमने एक जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया 2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर सॉल्व फंक्शन काम करेगा, इसमें मेरा स्टॉक हो चुका होगा केवल 1, ठीक। फिर उसके बाद ये चलेगा, फिर क्या को हम क्या करते होंगे, जेड नाम के फंक्शन में उठाएंगे, 1 रख लिए होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा स्टॉक खाली हो गया होगा, ठीक। फिर हम कॉल करेंगे तो क्या देखेगा, एसटी डॉट साइज 0 है तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, यानी कि ये अब क्या होगा, इस वाले फंक्शन क्या चल गया, ये हमने निकाल कर रख लिया था, साल फंक्शन हमारा रिटर्न कर दिया कि कुछ नहीं है तो रिटर्न कर दो। अब क्या होगा, हम क्लोन कर देंगे, तो हमारे क्लोन नाम के स्टैक में क्या चल जाएगा, सबसे पहले ये 1 चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये चल गया, जब इस अब ये रिकर्सन कॉल होगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो देखा गया ये भी इंट इक्वल टू 2 रखा हुआ है किसी में, अब ये 2 चला जाएगा क्योंकि ये रखा हुआ था, ये फंक्शन चल गया। उसके बाद क्लोन करना है, हमको पुश करना, फिर उसके बाद ये 3 चला जाएगा, यानी रिकर्सिवली कॉल होगा, तो ये हमारा विदाउट टेकिंग द एक्स्ट्रा स्पेस हमारा चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका जो कमेंट पार्ट है, कमेंट बॉक्स में रख दिया, कोडिंग पार्ट जो भी इसका है। थैंक यू।